बिहार एनडीए में चाचा भतीजे के बीच की जंग जग जाहिर है। राजनीतिक प्रेक्षक हाजीपुर सीट को लेकर दोनों के बीच अहम के टकराव की बात कहते हैं, लेकिन हाजीपुर के अलावे एक और सीट है जिसको लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। कभी चाचा को मनाने का प्रयास चल रहा है तो कभी भतीजे को। वहीं एक और चाचा की चाल ने एनडीए की गाड़ी को बेपटरी करने को आतुर है। कहा गया है कि जब अपनों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, लेकिन यहाँ अपनों की जंग में सब कुछ जायज ठहराने की बात हो रही है। आज इस राज से पर्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा। आशुतोष जी, बिल्कुल पाठक जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया सकता है कि बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला चिराग पासवान के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। जी पूरा एनडीए में चिराग पासवान केंद्र बिंदु बने हुए हैं। जी और एक सच ये भी है कि लोजपा रामविलास इस गठबंधन का तीसरा बड़ा दल है, जी जनाधार के मामले में देखा जाए तो। मुकेश सहनी के आने का भी इंतजार किया जा रहा है, भाजपा कर रही है और बातचीत भी चल रही है। जी किसी भी सूरत में बीजेपी की कोशिश यह है कि लोजपा रामविलास या चिराग पासवान को नाराज नहीं किया जाए, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अब लड़ाई कम से कम तेजस्वी यादव की जो रैली हुई थी, शक्ति प्रदर्शन जो हुआ था उसके बाद आसान नहीं है, बराबरी का है। जी इसीलिए बीजेपी अपने स्पेशलिस्ट को लगातार लगाई हुई है, चिराग पासवान को साधने के लिए हो या पशुपति पारस को साधने के लिए हो। जी खासतौर पर नित्यानंद राय अब तक इस मसले में सफल रहे हैं। इनके अलावा जेपी नड्डा हो या विनोद तावड़े हो, मंगल पांडे हो, ये तमाम लोग लगे हुए हैं। मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है, बातचीत की जा रही है। अब रही बात कि पेच कहाँ फंसा हुआ है, तो ये खाई काफी गहरी हो चुकी है चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में। और और होती भी जा रही है। बिल्कुल, और इसको पाटने की जितनी कोशिश हो रही है, हर कोशिश अब तक सिफर साबित हुई है, नाकाफी साबित हुई है। और न तो चिराग पासवान अपने चाचा के साथ जुड़ना चाहते हैं और न ही चाचा पारस अपने भतीजे के साथ। और शुरू में जब एनडीए के साथ जदयू नहीं था तो भी भाजपा के रणनीतिकार सीट एडजस्टमेंट को लेकर सहूलियत में थे। इस दौरान भाजपा ने चिराग पासवान को के साथ मतलब सारी बातें फाइनल हो चुकी थी इन दोनों के बीच में, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार की वापसी हुई है ये मामला उलझ गया है, क्योंकि जो पहले कमिटमेंट किया गया था चिराग पासवान से वो अब फुलफिल नहीं हो रहा है। अब चिराग पासवान की गाड़ी कहाँ अटकी हुई है, तो हाजीपुर सीट को लेकर ऐसा कहा जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में टशन है, क्योंकि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी का एक पैमाना इन लोगों ने आपस में तय कर लिया है कि वो हाजीपुर सीट है, यानी हाजीपुर सीट जिसको मिलेगी असल में रामविलास पासवान जी का रणनीतिक उत्तराधिकारी वही होगा, ऐसा इन लोगों को लगता है। और इसी को लेकर दोनों के बीच में विवाद है कि हाजीपुर सीट सीटिंग गेटिंग गोट के फॉर्मूला के तहत पशुपति पारस नहीं छोड़ना चाहते हैं और अपने पिता की सीट होने की वजह से चिराग पासवान नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ हाजीपुर ही नहीं है, यही हम बताना चाह रहे हैं दर्शकों को, कि सिर्फ हाजीपुर सीट ही वो नहीं है बल्कि एक और सीट है जिसको लेकर एनडीए में यानी बीजेपी चिराग पासवान और पशुपति पारस में तो डिस्प्यूट है ही, बीजेपी और नीतीश कुमार में भी, यानी इन तीनों चारों के बीच में ये सीट विवाद का विषय बनी हुई है। कौन है वो जी सीट, तो वो सीट है जहानाबाद लोकसभा सीट। अब जहानाबाद अच्छा लोकसभा सीट पर फिलहाल जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस बात को लेकर जब 18 जुलाई 2023 को एनडीए में शामिल हुए थे चिराग पासवान, तब उनकी अमित शाह से बात हुई थी। चिराग पासवान ने कहा था कि हमारे पास वहां के उम्मीदवार हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अरुण कुमार, उनके लिए वो सीट उनसे मांगी थी और अमित शाह ने ओके भी कर दिया था। ऐसी चीजें ये तो आशुतोष जी, यहाँ हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। इस ओर तो किसी का ध्यान अभी तक गया ही नहीं है। ये तो अहम सीट है, क्योंकि अरुण कुमार जी जो चिराग पासवान के उस समय के साथी हैं जब चिराग पासवान के साथ कोई नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि अरुण कुमार सिर्फ चिराग पासवान के ही साथी आज की तारीख में जरूर है, लेकिन इससे पहले भी वो कई दोस्त बदल चुके हैं, कई जी पार्टियां बदल चुके हैं। आपको याद होगा
1999 में अरुण कुमार पहली बार जहानाबाद सीट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीते थे, यानी नीतीश कुमार की पार्टी से। फिर 2014 में एनडीए के साथ आए, जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग थे और ये उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थे, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, उससे चुनाव लड़े थे वो और तब जीते थे। उसके बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ा, पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा, लेकिन बेहद कम वोट लाए वो। तो वहां से लगातार वो चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं और हारते भी रहे हैं। लेकिन जब से 18 जुलाई को चिराग पासवान और अमित शाह की बात हुई, कहा जा रहा है, ऐसी चर्चा है, और अमित शाह की तरफ से ओके कहा गया, तब से वहां पर अरुण कुमार लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। लेकिन अब चीजें अटक गई कब, जब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो गई। उस समय तक एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी नहीं हुई थी और ना ही कोई चांसेस था। तो हाजीपुर के अलावा जहानाबाद सीट भी वैसी है कि जहां पर डिस्प्यूट छिड़ा हुआ है। और आपको याद होगा कि जहानाबाद और नवादा को लेकर भी अदला बदली की बात थी, लेकिन नवादा में जनसभा करने के पहले ही भाजपा के जो रणनीतिकार हैं अमित शाह, उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया था, इसीलिए जहानाबाद सीट को लेकर इन दोनों के बीच में बात फाइनल हो चुकी थी। अब चिराग पासवान हाजीपुर सीट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसके अलावा जहानाबाद सीट पर भी वो अड़े हुए हैं। और जहानाबाद सीट की अंतरकथा ये है कि यहाँ से अरुण कुमार किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान को वो लगातार कहते आ रहे हैं कि हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी दबाव में है, वो भी कह रहे हैं कि मेरी बात हो रही थी, फिर कैसे पीछे हटी जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि बात बनने के पीछे रीजन क्या है। एक तो ये है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की का 36 का आंकड़ा है ही, अरुण कुमार और नीतीश कुमार का भी 36 नहीं 72 का आंकड़ा है। उन दोनों के बीच में हमेशा अरुण कुमार, आपको याद होगा, छाती तोड़ने वाला बयान भी दिया था, जिसको लेकर कोर्ट में मसला चला गया था नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार की वो मौजूदा सीट है, चिराग पासवान जहानाबाद सीट चाहते हैं, चाहते किसके लिए हैं, अरुण कुमार के लिए हैं, जिनसे न नीतीश की बनती है और चिराग पासवान से नहीं बनती है। सब कोई पता है 2020 में जिस तरह से चुनाव में हराने का काम किया था, जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। तो नीतीश कुमार भी अड़े हुए हैं कि किसी भी सूरत में जहानाबाद सीट हम छोड़ेंगे नहीं, बाकी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है लेकिन जहानाबाद पर नहीं। और यही है मेन वजह जिस पर मामला अभी तक अटका हुआ है, बात नहीं बन पा रही है, कोशिश चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन मतलब एक तरीके से कहा जाए तो नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि जहानाबाद से जदयू की दावेदारी छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी कि नामुमकिन। तो फिर ऐसे में कैसे बात बनेगी। और यही वजह है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जो सुझाया जा रहा है, उस पर कोई राजी नहीं है और ये चीजें लटकती जा रही है, देरी होती जा रही है, जबकि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। हो सकता है जी। तो ऐसी स्थिति में तो क्या बिहार में एनडीए बिखर जाएगा? इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि आपने जितने लोगों का बयान सुना होगा, सब लोगों ने कहा है कि बातचीत चल रही है, अंतिम दौर में है और सबको मना लिया जाएगा। हमने पहले भी कहा कि तीसरा घटक दल एनडीए में, बिहार एनडीए में कोई है जनाधार वाला, तो वो लोजपा रामविलास है, और इस बात से बखूबी वाकिफ है। नीतीश कुमार भी चाहे 36 का आंकड़ा रखते हो चिराग पासवान से, लेकिन जी उनको ही पता है कि बहुत आज के बहुत समय में प्रासंगिक है चिराग पासवान, उनको जी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जी कोशिश अंतिम दम तक यही रहेगी कि किसी तरीके से चिराग पासवान को साधा जाए, और और प्रक्रिया चल रही है। एनडीए लेकिन में लाया लेकिन जाए। हाँ लेकिन पेच कहाँ फंसा है वो भी हमने आपको बताया। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्यतन जानकारी के लिए।